हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है डेसिमल्स, और उसकी एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके सामने है। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन एंड रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोवेस्ट टर्म। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं, हमें इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद हम उसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें 0.6, सेकंड है 2.5, देन है 1.0। तो अगर इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप उसी वे से इसको सॉल्व करें। आप सिर्फ ये देखें कि पॉइंट के बाद आपके पास कौन सा नंबर है, ये है 6, और पॉइंट से पहले कौन सा नंबर है, 0। तो अभी के लिए आप क्या करो, जीरो ये जो पॉइंट है, मान के चलो कि पॉइंट है ही नहीं, और अगर पॉइंट है नहीं तो तुम इसको कैसे लिखोगे, 0.6 लिखोगे। इतना समझ में आ गया होगा। पॉइंट के बाद हमारे पास है 6, जिसकी प्लेस वैल्यू है 10th, तो आप क्या करो, इसको 10 से डिवाइड कर दो, ठीक हो गया। अब क्योंकि 0.6 का मतलब होता है 6, तो आप 0 नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा। तो 0.6 का जो फ्रैक्शन है वो हो गया 6/10। जरा इसी को जरा यहां पर भी देखें, ये पॉइंट लिखा हुआ है ना, आप मान के चलो कि पॉइंट है ही नहीं, और अगर पॉइंट है नहीं तो फिर तुम इसको क्या लिखोगे, तुम लिखोगे इसको 25, ठीक हो गया। अच्छा, पॉइंट के बाद जो 5 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10th, तो आप क्या कर दो, इसको 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 2.5 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो हो गई 25/10। अब इसमें आते हैं, इसमें भी यही चीज करें, पॉइंट है, एज्यूम करें कि पॉइंट है ही नहीं, एक बार मान के चले पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट है नहीं तो तुम इसको कैसे रीड करोगे, इसको रीड करोगे 10, ठीक हो गया। और पॉइंट के बाद जो 0 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10th, तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से बच्चों हमने इन सभी क्वेश्चंस में जो भी आपको डेसिमल नंबर दे रखे थे हमने उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वैसे इस क्वेश्चन में और भी पार्ट्स हैं, मैं एक दो पार्ट्स अभी और करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी हमने इन सभी को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये है 6 और ये है 10। तो लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, किसी एक नंबर से हमें इन दोनों को डिवाइड करना होगा। अब वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर होगा इन दोनों का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर बड़े से बड़ा वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करते। तो यहां पर वो नंबर है हमारे पास 2, तो हम क्या करते हैं, इस 6 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, इस 10 को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 6 हो गया, आंसर कितना आया आपके पास, 3। तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, 3, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, यह आएगा 5, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन था 0.6, जिसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 0/10, फिर इसको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस किया 3/5। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट यहां पर सॉल्व हो गया है। अब इस वाले पार्ट पे देखें, 25/10, अगर तुम इन दोनों का HCF निकालो, आप कहीं पर भी अलग से यहां पर भी HCF निकाल सकते हो, तो वो HCF आएगा 5। तो इन दोनों को उसी 5 से डिवाइड करना है, तो मैं इसको भी 5 से डिवाइड करूंगा और इसको भी मैं 5 से डिवाइड करूंगा, ठीक हो गया। 25 को 5 से आप डिवाइड करके देखो तो ये आपके पास आंसर आएगा 5। 10 को 5 से डिवाइड करके देखो, इस टाइप से 10 5 से डिवाइड करके देखो, 5 × 2 कितना हो गया, 10 हो गया, कितना आंसर आया आपके पास, 2, तो हमारे पास ये हो गया 2, ठीक है। अब यहां पर देखो,
ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, तो इसका मतलब है इन दोनों का HCF हमारे पास क्या आएगा, 10 ही आएगा। ये तो ऑब्वियस है, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जैसा तरीका मैंने यहां बताया मैं उसी तरीके से आपको बताता हूं। 10 और 10 का HCF क्या होगा, 10 ही होगा। तो इसको भी आप 10 से डिवाइड करें और इसको भी आप 10 से डिवाइड करें। तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1, और इस 10 को भी इस 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो 1 ओवर 1 क्या है, 10 ओवर 10 का लोवेस्ट टर्म है। तो इस तरीके से बच्चों हमने फिफ्थ क्वेश्चन के ये यहां पर ए बी सी पार्ट हमने कर लिए। हम इसका एक पार्ट और कर लेते हैं, ठीक है, एफ पार्ट कर लेते हैं। आप अपनी बुक में भी इस क्वेश्चन को देख लें, ये क्वेश्चन कहां पर दे रखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। हम इसका एफ पार्ट देख लेते हैं। एफ पार्ट है 21.2। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए अज्यूम करो, मान के चलो कि पॉइंट है ही नहीं। तो अगर पॉइंट नहीं है तो तुम क्या लिखोगे, 212 लिखोगे, है ना, क्योंकि मान के चल रहे हैं कि पॉइंट है ही नहीं, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, 212। अब डिवाइड में आप क्या लिखोगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जो 2 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10th, तो उससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक हो गया, तो हमारे पास आ गया 212 ओवर 10। अब 212 और 10 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होता है 2। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है इन दोनों को आपको 2 से डिवाइड करना है। तो इसको भी आप 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 212 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2 1 2, ये कैंसिल, 1 का 1 उतर गया, 2 0 0, 1 आया, यहां से 2 कैरी हो गया, 2 6 12। तो आप देखें हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 106। तो 212 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 106। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5। तो ये हमारे पास लोवेस्ट पर टर्म हो गई 21.2 की। तो 21.2 को पहले हमने इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और देन हमने लोवेस्ट टर्म पे कन्वर्ट किया। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो हैं वो आप अपनी कॉपी में एक बार ट्राई करके देखें। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।